एग्री ब्लॉक्स के वी के पिथौरागढ़ में, और आज हम हैं मुंशियारी की विजिट पे। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा मुंशियारी का। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग होगी राजमा के ऊपर। मुंशियारी का व्यू दिखा दीजिए इनको, एकदम बॉर्डर एरिया है और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार सिंह मुंशियारी में आजकल अपने फार्मर्स के यहाँ भ्रमण पर हूँ, और मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र सिंह बागोनी मेरे साथ हैं। और अभी हम हमारे किसान भाई, आपका शुभ नाम? पहला सिंह जी के यहाँ पर आए हैं, और ये हमने जो उनका जो राजमा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का सफ़ेद राजमा, क्योंकि ये असल में ये पुराना राजमा है तो इसलिए रंग इसका थोड़ा पीलापन लिए हुए है। बाकी जब ये नया होता तो बिल्कुल सफ़ेद राजमा होता है, तो इसको यहाँ पे सफ़ेद राजमा बोला जाता है। बाकी इसमें एक लाल ठुमरी भी होता है, लाल ठुमरी होता है, भैंस का होता है, बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं, चार से छः प्रजातियाँ उगाई जाती हैं। और आलू की भी जो खेती यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है, बड़ा काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्रफल में आलू का जो उत्पादन किया जाता है, और बहुत ही जो गुणवत्ता युक्त आलू यहाँ पर पैदा होता है, जिसका स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन है। और राजमा तो ये मुंशियारी का जो आपका राजमा है, इसका तो स्वाद आप खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। अल्टीमेट स्वाद है इसका, और गलने में भी इसको ऐसा है कि अगर आप बिना भिगाए भी इसको बनाएंगे तो भी ये आसानी से गल जाता है। और प्योर ऑर्गेनिक राजमा है ये, जैविक राजमा, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। पर ये 100% जैविक राजमा है, इसकी जो कीमत भी काफ़ी अधिक होती है, यहाँ पर लगभग ये 150 रुपये के जी तक यहाँ पर मिलता है, और बाज़ार में तो इसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। किसान के यहाँ से 140 से 150 के जी तक, रुपीज़ पर के जी तक ये जा बिकता है, और विदेशों में 400 रुपये के जी तक जो है इसकी मांग है, जो ये ऑनलाइन जो सप्लाई होता है इसकी 400 रुपये के पर के जी इसकी कीमत है। और बाकी और भी दालें यहाँ पर हैं, काला भट्ट होता है, तो बहुत सारी दलहनी जो, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैविक अपनाएं और स्वस्थ अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाएं। तो किसान भाइयों, ये देखिए मुंशियारी के जो दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो दूसरी सबसे खासियत है, वो है यहाँ के मुंशियारी के आलू, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। किसान भाई आप ये देखिए मुंशियारी की जो एक और खूबसूरत चीज़ है, ये है रिंगाल। ये देखिए, आप देख लीजिएगा इसको रिंगाल कहते हैं, और बहुत ज़्यादा इससे जो है मटेरियल बनते हैं, बास्केट्स बनती हैं, और तमाम जो है डेकोरेटिव मटेरियल्स मिलता है जो आपको शॉप में मिलेगा, तो वो इस रिंगाल के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और बहुत ही जो है खूबसूरत डेकोरेटिव मटेरियल भी इससे बनते हैं, और इसका GI टैग भी है। अच्छा, हमारे किसान भाइयों के बीच में है मुंशियारी ब्लॉक में। तो मुंशियारी ब्लॉक के हमारे जो फार्मर हैं बाबूजी, जो हीरा चंद तोलिया जी और राजेंद्र चंद्र सिंह सुमत्याल जी हमारे बीच में हैं। तो अभी इन लोगों ने जैसे हमें बताया कि आलू का जो उत्पादन पहले तो बहुत अधिक होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे उत्पादन में कमी आ रही है। लगातार उत्पादन में कमी का कारण है कुछ जंगली जानवर, और कुछ खेती की तरफ जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसका रुझान ना होना। तो हमें ज़रूरत है कि अपनी नई पीढ़ी को से आह्वान करना चाहिए कि खेती जो कृषि है, ये बहुत बड़ी, हमारे देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा जो भोजन का साधन कृषि है, इसके बिना जीना जीवन संभव नहीं है। तो बाबूजी ने हमें बताया कि राजमा का भी बड़ा अच्छा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, सफ़ेद राजमा होता है, लाल राजमा होता है, काला राजमा होता है, एक राजमा होता है, बड़ा राजमा होता है, उसको शायद यहाँ पे भैंस का बोलते हैं उसको, एक लाल ठुमरी होता है और काला ठुमरी भी होता है, लाल ठुमरी, काला ठुमरी, और एक सफ़ेद राजमा। तो ये 4 से 6 प्रजातियाँ राजमे की यहाँ पर होती हैं। और आलू की कितनी प्रजातियाँ आपकी यहाँ पर? आलू ऐसे बोलते हैं, आलू यहाँ 2 प्रजातियाँ आलू के लगाते हैं। कौन कौन से? एक तो लोकल आलू है, ये चंद्रमुखी लगाते हैं, एक चंद्रमुखी लगाते हैं, और ये लोकल कुफरी चंद्रमुखी,
जिसे बोलते हैं कुफरी चंद्रमुखी, और एक आपका यहाँ का मुंशियारी का जो लोकल आलू है जो कि बहुत प्रसिद्ध आलू है और उसका जो स्वाद भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट आलू है, गलने में भी बड़ा बहुत ही आसानी से वो गल जाता है। बाकी आलुओं की तुलना में इसका स्वाद अत्यधिक है। और हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, तो जो कि आज हमारा यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होने आए हैं, तो उसमें जो आलू पे भी चर्चा होगी, राजमे पे भी चर्चा होगी। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं सभी के यहाँ पे नीचे बहुत राजमा काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है, तो अभी देखते हैं आगे चल के। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, और कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े। और आज हम हैं मुंशियारी में, जैसा हमने आपको बताया, और जानकारी कैसी लगी आज आपको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुंशियारी के राजमा के बारे में, मुंशियारी के रिंगाल के बारे में, और मुंशियारी के आलू के बारे में, और थुलमा के बारे में, तो इन सब के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, और मुंशियारी घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।